This is a laughter therapy. Everybody follow me. साइकोलॉजी के आपके इमोशंस कंटेजियस होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं। यही वजह है कि आप जब थके हारे दिन सारा दिन मेहनत करने के बाद घर जाते हैं और बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, आप ना देखें बच्चा आपको मुस्कुरा के देखता है, आपकी तमाम तक थकन दूर हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे 4 घंटे का मजीद बूस्टर एनर्जी बूस्टर मिल गया और मैं 4 घंटे के साथ मजीद खेल सकता हूँ। जबकि घर जाते हुए आपका ख्याल ये होगा कि शायद मैं घर जाके सो जाऊँ। हुआ क्या कि वो बच्चा इतना पॉजिटिव स्टेट के अंदर होता है कि जैसे ही वो आपको देखता है उसके स्टेट आपके अंदर ट्रांसफर होता है। इट मींस कि जब यही वजह है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, जो कहा जाता है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी स्टेट चेक कीजिए। इफ दे आर नेगेटिव ट्राई टू अवॉइड देम, इफ दे आर पॉजिटिव ट्राई टू बी एसोसिएटेड विद देम, अदरवाइज दैट्स गोइंग टू अफेक्ट यू। अच्छा जी, हम प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम डील किस तरह से करते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को। अच्छा, ये जो वर्ड नेगेटिव इमोशन, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, हमारे मानना है कि नेगेटिव इमोशंस होते ही नहीं, इमोशंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव इमोशंस आम इस्तेलाह के लिए, चूंकि हमने उसको एसोसिएट किया हुआ है नेगेटिव से, तो मैं इस वक्त नेगेटिव इमोशंस उसके साथ लगा रहा हूँ ताकि आपको बाइफिकेट आप कर सकें इजीली। There is no emotion that is negative. Every emotion is a positive emotion. हम क्या करते हैं negative emotion को deal करने के लिए? सबसे पहली जो हम तरकीब इस्तेमाल करते हैं वो है avoidance. हम जैसे ही कोई negative emotions हमारे अंदर आता है, या तो हम उसको avoid करते हैं as if के कुछ हुआ ही नहीं। हम मिसाल के तौर पे हमें एक emotion जो है वो है कि sense of frustration. Now we are avoiding. Avoiding the situation, avoiding. होगा क्या, एक दिन आके ये burst होने वाला है। दूसरा जो तरीका होता है deal करने का negative emotion, denial. हम deny करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं कोई मसला ही नहीं है, लेकिन emotion again है। हम ये कहते हैं कि the situation is not bad, जबकि वो bad है, right? हम उसके लिए कोई इकदाम भी नहीं कर रहे, बस अपने आप को यहां से कहे जा रहे हैं कि नहीं जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तीसरा तरीका यह है कंपीट करने का। हम ये कहते हैं इमोशन को हैंडल करते वक्त कि तुम्हारे साथ ये मसला है, मेरे साथ तो इससे बड़ा मसला है, ये देखो मेरी स्टोरी। एक शख्स आता है आपके, बोलता है कि मैं जो है बड़ा अपने रिलेशनशिप को सफर कर रहा हूँ, दूसरा बोलता है कि मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मेरे साथ आज सुबह ये हो। नाउ वी स्टार्ट कंपीटिंग इमोशन विदाउट रियलाइजिंग कि ये इमोशन कहाँ से आ गए, इनके रूट कॉज क्या है और हम इससे कैसे लेट गो कर सकते हैं। हम लोगों में जाके उसको बताना शुरू कर देते हैं। परसेप्शन हो सकता है कि वो इमोशन हमारा परसेप्शन हो, और परसेप्शन बिकम्स प्रोजेक्शन। जिस तरह से एक छोटी सी पिक्चर यहाँ प्रोजेक्ट हुई, एंड प्रोजेक्शन बिकम्स द रियलिटी, कुछ अरसे बाद वही प्रोजेक्शन जो हम मुस्तकिल लोगों को कह रहे थे वो रियलिटी बन जाती है। फोर्थ वे ऑफ डीलिंग इमोशन इज लर्निंग एंड यूजिंग। जो भी इमोशन आपके पास जो आपको आ रहा है, हम उससे उस कैसे सीख सकते हैं और उसका मैसेज क्या है, ये बेसिकली काम है जो आज हम सीखने आए हैं कि हाउ टू लर्न एंड यूज द इमोशन। सपरेशन वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। स्टेप्स टू हैंडल, वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। इमोशन को हैंडल करने का सबसे पहला तरीका है आइडेंटिफाई व्हाट यू आर रियली फीलिंग। जो भी नेगेटिव इमोशंस आपको हैं या आप नेगेटिव फील करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये इमोशन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फील आई एम डिप्रेस्ड, डिप्रेशन का वर्ड इतना कॉमन हो गया है
कि हर शख्स यही कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में, जबकि ऐसा नहीं है। हम हर छोटी सी चीज को डिप्रेशन कह रहे होते, आइडेंटिफाई कि वेदर इट्स अ डिप्रेशन और इट्स जस्ट स्ट्रेस, वेदर इट्स स्ट्रेस और इट्स सम जस्ट लाइक डिस्कम्फर्ट, कि ये सिर्फ मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। बस बात, हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं और जाके बोलते हैं मैं आजकल बहुत डिप्रेशन में। जो नफ्सियात से आगाह है उनको पता है कि डिप्रेशन का एक एक साइकिल है, एक स्टेजेस है, उस पर जाके उसको, उसके बाद नंबर टू हैंडल करने के क्या है कि आपने उस इमोशन, जो भी इमोशन को आपने आइडेंटिफाई किया है, इसको एक्नॉलेज करना है, इसको अप्रिशिएट करना है। आइडिया इज कि जिसको भी आप रिग्रेट करते हैं, यू परसिस्ट दैट थिंग, जो भी चीज को आप रिग्रेट करते हैं वो चीज हमेशा आपके सामने रहती है। तो सबसे पहले आपने अपने इमोशन को, जो भी इमोशन है, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो रिजेक्शन है, चाहे वो स्ट्रेस है, यू नीड टू अप्रिशिएट कि ये आई अप्रिशिएट दिस इमोशन एंड दिस इमोशन इज गोइंग टू गिव मी समथिंग समथिंग गुड। फियर इज व्हाट, अभी आगे आने वाला है, फियर इज व्हाट, खौफ आपको बताता है कि यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। वंस यू अप्रिशिएट दैट फियर, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। खौफ आपको यही बताता है, मिसाल के तौर पर आपको पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है, तो वो खौफ आपको क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, दैट इमोशन इज गिविंग यू अ पॉजिटिव मैसेज। तो आपने अगर एक्नॉलेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया अपने अपने इमोशन को, यही वजह है कि जब दीन में लोग दाखिल होते थे तो सबसे पहला काम जो दीन हमारा दीन इस्लाम करता था वो ये करता था कि साबका गुनाहों को माफ करता था, ताकि वो नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाए, उसको अप्रिशिएट करता था कि ओके व्हाटएवर यू हैव डन वी अप्रिशिएट यू, वो वी एक्नॉलेज यू एंड कम तमाम साफ गुनाह आपके माफ कर दिए जाए, तब जाके वो नेगेटिव फीलिंग्स, जैसे ही वो इस्लाम में दाखिल होते थे तमाम नेगेटिव फीलिंग्स से आजाद हो जाते थे, क्योंकि वो अप्रिशिएट और एक्सेप्ट खुद कर लिए जाते हैं। नंबर थर्ड, गेट क्यूरियस अबाउट द मैसेज, जो भी मैसेज आपको आपका आपका इमोशन दे रहे उसके लिए आप क्वेश्चन कीजिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि ये जो इमोशन है ये है किसकी वजह से, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं इससे फायदा उठा लूं। डिस्कम्फर्ट है, रात भर नींद नहीं आ रही, कुछ परेशानी है, आस्क क्वेश्चन, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ, व्हाट इज द रूट कॉज। When you have the curiosity, curiosity is far better than negative emotion. The moment you have curiosity about that emotion, you will have lower intensity in that. Just ask question. There are multiple questions. What else could this mean? जो भी आप महसूस करें इसका एक perception होगा, इसकी वजह से किसी ने आपको टेढ़ी निगाह से देख लिया और अब आपको रात भर नींद नहीं आ। इंसान इतना ही, जितना इंसान पावरफुल है एहसासात के मामले में बड़ा कमजोर है। एक एक तल्ख बोल इसका सारा दिन खराब करने के लिए काफी होता है, एक टेढ़ी निगाह सारी जिंदगी की सेपरेशन के लिए काफी होता है। किसी ने आपसे सरा सी तल्ख बात किया, आपने सारी जिंदगी के लिए रब्ता खत्म कर दिया, रिश्ते खत्म हो गए, इतना इंसान एहसासात उसके इतने कमजोर है कि वो छोटी सी बात काफी होती है हमारे रिलेशनशिप के लिए। छोटी सी बात पे एम्प्लॉई बॉस को छोड़ देता है, बॉस एम्प्लॉई को फायर कर देता है, वो बाद में रियलाइज करते हैं दोनों की यार इट वाज अ पेटी मैन, तो बहुत छोटी सी बात। सो यू नीड टू आस्क क्वेश्चन, गेट कॉन्फिडेंट, वंस यू आइडेंटिफाई, वंस यू एक्नॉलेज एंड आस्क क्वेश्चन, नाउ बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन हैंडल, बी कॉन्फिडेंट कि आपने पास्ट में इस इमोशन को कैसे डील किया। You need to have confidence in you कि ये जो भी इमोशन है मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि चाहे आप स्ट्रेस में हो, चाहे आप एंगर में हो, चाहे आप हेट्रेड की सूरत में हो, जिंदगी में कहीं ना कहीं ये इमोशन आपने पहले हैंडल किया हुआ होगा लाजमी, और उस इवेंट की बुनियाद पर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए that I can do this again. Get certain that you can handle this not only today but in the future as well. Now you have to ask कि अब जो ये emotion है इसको मैं ना सिर्फ अभी handle कर सकता हूँ बल्कि इसको आपने future facing कर दिया कि ताकि मुस्तकबिल में भी ये emotions आपको आने वाले, क्योंकि मैंने कहा ना कि ख्याल 70,000 ख्याल daily
उसके नतीजे में एहसास, उसके नतीजे में जज्बात, तो ये तो आने वाले हैं, तो डेली बेसिस पर आपको ये आएंगे। आपने ये देखना है कि मुझे इसे फ्यूचर में कैसे हैंडल करना है। जस्ट आप किसी जगह पे बैठ जाइए, कोई सुकून रिहर्स कीजिए कि यू आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन। आइडिया क्या है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ये विविड इमेजिनेशन एंड रियलिटी में फर्क महसूस नहीं करता। मिसाल के तौर पे एक पिक्चर यहाँ में आपको आपने देखी, या दूसरे कोई पिक्चर ले लें जिसमें कोई एक शख्स है जो मर जाता है किसी फिल्म में, तो आपने देखा होगा घर की खवातीन आंसू बहा रही होगी। क्या उन्हें नहीं पता कि ये फिल्म है? बच्चों को नहीं पता कि ये फिल्म है? या कोई आप हॉरर मूवी देख लें, आप खौफ में आ जाते हैं, क्या आपको नहीं पता कि दिस इज ऑल मूवी फेट? बट चूंकि उसकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी होती है जिन लोगों की, वो विविड इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क महसूस नहीं कर पाते। लाशऊर को स्टिमुलस मिलता है और वो रेस्पॉन्ड करता है, आपको आंसू आपके निकालता है कि आप भाई कोई मर जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप विविडली इमेजिन करते हैं दैट यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन नॉट ओनली टुडे बट ऑल्सो इन फ्यूचर, यू कैन क्रिएट द सेम रियालिटी। एंड नंबर सिक्स, गेट एक्साइटेड। नाउ कॉन्फिडेंस होना काफी नहीं, देयर इज अनदर फीलिंग, एक्साइटमेंट। वंस यू आर कॉन्फिडेंट यू मस्ट हैव एक्साइटमेंट एज वेल, एंड इफ यू आर नॉट एक्साइटेड, हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम जब यस्टरडे आई वाज इन अ प्रोग्राम, मैं 600 टीचर्स को सर्टिफिकेशंस दी, उन्होंने 6 मंथ का कोर्स किया, एंड आई वाज ऑब्जर्विंग के हर टीचर आती सर्टिफिकेट लेती और चले जाती है, टीचर आती सर्टिफिकेट लेती चले जाती। आई डिड नॉट फाइंड इवन अ स्माइल ऑन द फेस। मैंने कहा कि ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सर्टिफाइड टीचर होके जा रहे हैं, आज ये कॉन्फिडेंट हैं कि नाउ दे आर टीचर, बट देयर इज नो एक्साइटमेंट। सो ऑब्वियसली वंस यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट योर प्रोफेशन, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट इमोशन इन टू योर स्टूडेंट। सो वट एवर द इमोशन, वट एवर द मोटिवेशन यू वॉन्ट टू सी इन योर एम्प्लॉइज, वॉन्ट टू सी इन योर चिल्ड्रन, इन योर रिलेशनशिप, यू मस्ट हैव दैट टू। So if you are not excited about your emotion, obviously that is not going to serve you. Now quickly हम इस आगे चलेंगे कि emotions के messages क्या हैं, कुछ जो common emotions हैं उनके हम messages आज देखेंगे कि वो किस तक क्या message हमें देते हैं। Number one is discomfort. Discomfort is basically giving you a message. ओके, डिस्कम्फर्ट क्या मैसेज दे रहा है आपको कि यू नीड टू बी प्रिपेयर व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग, कुछ आप बिजनेस प्लान करने जा रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्टअप्स करने जा रहे हैं, कुछ मीटिंग्स करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप यू बिकम डिस्कम्फर्ट एंड यू थिंक के अंदर से फीलिंग ये आ रही है कि नहीं कीजिए। समटाइम्स वो फीलिंग ये नहीं कहती है कि आप इसमें नहीं चाहिए, वो हो सकता है कि आपका डिस्कम्फर्ट हो, और वो ये कहता है डिस्कम्फर्ट कि यू नीड टू बी प्रिपेयर मोर। जब नॉर्मली आप किसी जो है वो खास मीटिंग में जा रहे होते हैं, आप डिस्कम्फर्ट हो जाते, इट मीन्स इट्स गिविंग अ मैसेज कि बी प्रिपेयर इवन मोर। सॉल्यूशन क्या है? चेंज योर स्टेट। इफ यू आर डिस्कम्फर्ट एनी टाइम, जस्ट चेंज योर स्टेट, जो अभी एक्सरसाइज करवाई, चेंज योर फिजियोलॉजी, चेंज योर इंटरप्रिटेशन, and you will have a different state of mind, and you can refine your actions, your strategy, your approach, you can have even more flexibility. Number two, fear. इसमें मैं already बता चुका हूँ कि fear का message क्या होता है, जब भी हम खौफ में होते हैं, message is be prepared. खौफ, public speaking का खौफ, presentation का खौफ, लोगों से मिलने का खौफ, तो हम इस खौफ को तारी करते हैं और सेपरेशन इख्तियार कर लेते हैं। दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग दैट इमोशन। वो इमोशन आपको ये बता रहा है कि एक स्टेप और चाहिए, प्रिपेयर मोर। फिर भी खौफ है, प्रिपेयर मोर। फिर भी खौफ है, प्रिपेयर मोर। सो द इमोशन इज आपका जो भी इमोशन है ये आपकी बका के लिए। हमारे जितने जज्बात हैं अल्लाह ताला ने जितने जज्बात हमें दिए हमारी बका के लिए।
कोई भी जज्बा ऐसा नहीं है जो हमें फना करने के लिए हमें नुकसान पहुंचाने। नुकसान हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के या बिल्कुल कम करके भी नुकसान कर सकते हैं। क्या आपने इमोशन इतने कम कर दिए कि वो भी आपको नुकसान दे जाते हैं। बाज लोग इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। अभी दो दिन पहले हम एक शख्स से मिले, उसके वालिद का इंतकाल हुआ, तो मुझे किसी ने बताया कि इनके वालिद का इंतकाल हुआ, हम इनके पास मिलने गए और ये इतने पॉजिटिव इंसान है, हमेशा हंस के मिलते हैं, वालिद के इंतकाल नहीं, बोले हाँ हाँ भाई वालिद का इंतकाल। सो आपके इमोशंस ठंडे हो गए, जहां जज्बा हो जाएगा इंशाल्लाह, जहां आपके जज्बात होने चाहिए वहां आपने शो करने हैं, जज्बात नहीं दिखा पा रहे, अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम। हर्ट, सो मेनी टाइम्स यू आर हर्ट। हर्ट इज बेसिकली एक्सपेक्टेशन दैट हैज नॉट बीन मेट। आपकी कोई उम्मीद जब वो पूरे नहीं उतरती, कोई शख्स पूरा नहीं उतरता या आप खुद अपनी उम्मीद को पूरा नहीं उतरते तो आप हर्ट हो जाते हैं। हर्ट का मैसेज क्या है? You should have even more trust on yourself. Realize that in reality you may not have lost anything. हो सकता है कि जो expectation पे सामने वाला नहीं उतरा वो आपके काबिल ही ना हो सकता है कि आपकी expectation बहुत ज्यादा हो। Ask yourself, this is called transformational vocabulary. आप अपनी internal जो आप communication कर रहे हैं उसको जब change करते हैं तो आपके emotions light होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि वो शख्स मेरे काबिल ना हो सकता है कि इसी जिसको हम बड़ा आसान अल्फाजों में कहते हैं कि अल्लाह को ना मंजूर था, उससे होता क्या है कि आपके इमोशंस थोड़े से कम हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एंगर एन इंपॉर्टेंट रोल स्टैंडर्ड, जब आपका कोई भी एक स्टैंडर्ड टूटता है तो फिर आपको गुस्सा, आप बींग अ बॉस कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड पे जब कोई इंप्लॉय नहीं पहुंचता तो आपको गुस्सा आ जाता है। सिंपल, नाउ यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इन स्पाइट ऑफ बीइंग एंग्री, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से कि हो सकता है कि मेरा स्टैंडर्ड मैंने बहुत ज्यादा हाई कर लिया हूँ अपने इंप्लॉय को देखते हुए, या तो मुझे अपने स्टैंडर्ड पे काम करना है या मुझे अपने इंप्लॉयज की स्किल पे काम करना है। एंगर की बात, एंगर जो है एक्सपेक्टेशन से, अगर देखें स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं तो एक्चुअली आप एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे होते हैं ना, कि उससे आपको एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब वो नहीं मिलता तभी एंगर आता है ना। देखिए एक आपका स्टैंडर्ड है चाहे कोई भी लाइफ का हो, आप इसको अपने ऊपर रख लें कि मुझे गुस्सा, आपको अपनी जात पे भी गुस्सा आता है, उस स्टैंडर्ड को आप कभी नहीं मैच कर पाते। अगेन आप इसको एक्सपेक्टेशन भी कह लें कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन में पूरे नहीं उतर रहे, आपको गुस्सा आएगा। नाउ दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने स्टैंडर्ड को डाउन करें जो कि नॉर्मली दो लोग नहीं करते, या फिर आप इसका ये मैसेज लीजिए कि आई हैव टू वर्क ऑन माय स्किल्स, मुझे अपने आप को मजीद इंप्रूव करना है ताकि मैं उस स्टैंडर्ड को मैच करूं, मुझे अपने मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे ज्यादा वर्किंग आवर्स इस प्रोजेक्ट पे लगाने हैं ताकि मैं अपने स्टैंडर्ड पे पहुंचूं। ये वो आइडिया है कि आपने आप सिंपल द एंगर इज गिविंग यू अ मैसेज टू इंप्रूव योर सेल्फ, टू इंप्रूव योर स्किल, टू गिव मोर टाइम ऑन प्रोजेक्ट, टू ट्रेन योर पीपल ताकि वो आपके स्टैंडर्ड पे पहुंचे, दैट्स ऑल। बाजुबात इंप्लॉय को देखते हुए तो स्टैंडर्ड बनाए नहीं जाते, स्टैंडर्ड तो इंसान अपने दिमाग में खुद ही बनाए, और रिटर्न तो बहुत ही कम होता है, वो खुद ही वो बॉस कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा होता कि उसके अपने स्टैंडर्ड क्या है। टाइम एक्सपीरियंस के लिहाज से स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इमोशन है फ्रस्ट्रेशन, जिसको हम बहुत नेगेटिवली डील करते हैं, नेगेटिव समझते हैं। फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा इमोशन होता है जो हमेशा आपको आगे ले जाने की तपोदों में लगा रहता है। ये फ्रस्ट्रेशन का इमोशन ऐसा होता है जो आपको बताता रहता है कि गो इवन मोर, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, ये बेसिकली इसका काम होता है फ्रस्ट्रेशन का। जब भी हम फ्रस्ट्रेशन में जाने लगते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जिंदगी से कुछ बेहतर चाहते हैं, हम अपनी लाइफ से कुछ अच्छा चाहते हैं, और जब वो हम नहीं मैच कर पा रहे होते, जब हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होते तो हम फ्रस्ट्रेशन में जाने लगते हैं। द बेस्ट थिंग इज टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, कि वो कौन कौन से काम हैं जो मैं नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से मुझे ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकता हूँ
अपने अप्रोच को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे टारगेट चेंज करने की बात नहीं होगी, मतलब टारगेट वही रहेगा। डिसअपॉइंटमेंट में फिर आप टारगेट भी चेंज करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं तो फिर आप डिफरेंट अप्रोच पे जाते हैं कि नहीं, अब अप्रोच या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, अब बिजनेस ही चेंज कर, अब जो है वो रिलेशन ही चेंज कर। तो और फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आपके गोल्स आपके एम्स सेम रहते हैं और ये आपको बताते रहते हैं आगे बढ़िए आगे बढ़िए और आगे बढ़िए और आगे जाना, जितना ये जितने अचीव किया दिस इज नॉट इनफ, इससे आगे निकलना। तो दैट्स बेसिकली द आइडिया ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसको हम समझते हैं कि अब मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया अपनी जिंदगी से, और फिर कुछ दिनों बाद खुदकुशी करते हुए नजर आ गए। यही वजह है कि आज आप देख लीजिए रेट क्या है दुनिया में खुदकुशी।